हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के बारे में। लेकिन ये जो विंडोज़ 11 के बारे में बात करने वाला हूँ, वो मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे विंडोज़ 11 आपकी कंप्यूटिंग का फ्यूचर बदल सकती है। क्योंकि जो विंडोज़ 11 है वो 90% पूरी टच इंटीग्रेटेड हो चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट का पूरा फोकस अब टच डिवाइसेस के ऊपर है। उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम विंडोज़ 11 को हम पहले देख लेते हैं कि विंडोज़ 11 टच कंप्यूटर्स के लिए क्या अच्छी अच्छी चीज़ें लाई है, मतलब क्या क्या चीज़ें लाई है। क्योंकि विंडोज़ 10 हमने देख रखी है, वो टच डिवाइसेस के लिए ठीक ठाक है, पर इतनी अच्छी नहीं है कि उसको हम किसी iOS से या एंड्रॉयड टैबलेट से कंपेयर कर सकें। जैसे उसकी टच UI होती है, लेकिन विंडोज़ की उतनी अच्छी नहीं होती है। क्रोम बुक की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन विंडोज़ 10 की उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर विंडोज़ 11 में बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है टच इंटीग्रेशन को लेके। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं छोटा हो जाता हूँ, ठीक है, और ताकि आपको जो विंडोज़ है वो दिख सके ठीक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी विंडोज़ चला रहा हूँ, ये अभी पूरी टच से चल रही है, मैं अपने हाथ से चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चेंजेस बताने वाला हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चेंज, जब आप खोलते हो और जब आप देखते हो, तो नीचे आपको ये एक टास्क बार देखने को मिलती है जो कि सेंटर्ड में हो गई है। सेंटर में इस वजह से हुई है क्योंकि अब आप इसको टच कर सकते हैं बीच में से। पहले आपको साइड में से टच करना पड़ता था, जो कि इतना अच्छा फील नहीं दे सकता था क्योंकि बार बार आपको उंगली उस साइड लेके जानी पड़ती थी। लेकिन अब आपकी सारी ऐप्स बीच में आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो आप ध्यान देंगे, जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं या होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो मेन्यू मिलता है राइट क्लिक वाला, अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। मतलब जो फॉन्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको अगर पुराना वाला चाहिए तो पुराना वाला भी मिल जाएगा। आप सिंपली शो मोर ऑप्शन में जा सकते हैं और आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना छोटा सा आ गया है। लेकिन ये इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने हटाया क्योंकि भाई आपकी फिंगर इतनी मोटी होती है, तो इतने छोटी चीज़ों को वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगी प्रिसाइजली, तो वहाँ पर चांसेस ऑफ एरर्स आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको ये रिफ्रेश बटन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप अभी भी रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आप अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाना चाहते हैं, जो कि हम पुराने दिनों में यही मानते थे कि रिफ्रेश करने से पीसी तेज चलता है, पता नहीं क्यों। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी विंडोज़ की, कि इन्होंने ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल अब यहीं पर ऐड कर दिया है। मतलब पहले आपको शिफ्ट की दबानी पड़ती थी, फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब इन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट यहीं पर रख दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा मतलब कई कामों को। तो आप टर्मिनल खोलने के लिए डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और आपका टर्मिनल खुल जाएगा। और ये जो थोड़ा बहुत टर्मिनल का डिज़ाइन, मतलब ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, थोड़े फॉन्ट थोड़े बड़े हो चुके हैं और थोड़े कर्व डिज़ाइन हो चुके हैं, अदरवाइज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब पहले से तो थोड़ा सा बेहतर ही हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसी के बाद दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, अभी हम टास्क बार पे बाद में आते हैं, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट से स्वाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको विजिट्स देखने को मिलेंगे। हाँ ठीक है, मतलब मैं इनको कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी नहीं बोलूँगा, गूगल ज़माने से ये चीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और नीचे आपको न्यूज़ देखने को मिलती हैं, जो कि Amazon में जाके खुलती हैं, एक तरीके से Bing में ही जाके खुलती हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा एक और बमर लगा, क्योंकि जो Google है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर Google होता, मतलब Google में वो न्यूज़ खुलती, लेकिन ऑफकोर्स वो नहीं खुली Google में, क्योंकि Microsoft Google दोनों अलग कंपनी हैं, दोनों की टक्कर चलती रहती है, तो वो नहीं खोलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप वेब सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो Bing पर ही सर्च होगा, तो कोई भी सर्च नहीं करने वाला उसको, ये सच है। तो यहाँ पर बस आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप क्विक न्यूज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा हैंडी लगा मुझे, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट को पकड़ लेता है, जैसे आपका गूगल कार्ड्स पकड़ता है, तो थोड़ा हैंडी है। हाँ, आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन आप इस पर कुछ सर्च नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो Bing पर सर्च होगा। लेकिन न्यूज़ शॉर्ट न्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है ये चीज़। यहाँ तो लेफ्ट पे आपने करा, अब अगर राइट में आप स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, डेट देखने को मिलेगी और नोटिफिकेशंस भी ऐसे देखने को मिलेंगे। अभी करंटली कोई नोटिफिकेशन नहीं है मेरे इस लैपटॉप में, लेकिन यहाँ पर आपको स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये विजिट और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि हैंडी है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना, आप राइट से स्वाइप कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है। इसके बाद अगली चीज़ जो मुझे सबसे बेहतरीन मिली है, मैं इसको क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, कंट्रोल सेंटर बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, मतलब ये चीज़ मुझे सबसे बेहतरीन लगी। हाँ, ये क्रोम OS से ढापा है विंडोज़ ने, मतलब यार क्रोम OS का भी कंट्रोल सेंटर ऐसे ही दिखता है, तो उन्होंने इस तरीके से, मतलब बहुत
60-70% उस चीज़ को कॉपी कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर अच्छी चीज़ है और कॉपी कर रहे हो तो अप्रिशिएट करी जा सकती है। वैसे भी वो बुक तो आपने पढ़ी होगी, स्टील लाइक आर्टिस्ट, तो अच्छी चीज़ें उठा लो और अपनी तरीके से बनाओ ताकि अच्छी लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ कि आपको ब्राइटनेस यहीं पे देखने को मिलती है, साथ में वॉल्यूम भी यहीं पे देखने को मिलती है। मतलब यार सीरियसली, जो आपका विंडोज़ 10 थी इतनी बुरी लगती थी कि वॉल्यूम अलग है, ब्राइटनेस अलग जगह पर है, तो बड़ा दिमाग ख़राब करती थी ये चीज़। लेकिन अब दोनों एक ही जगह पर आ गई हैं, जो थोड़ा ये क्लटर फ्री हो जाता है, ठीक है। और साथ ही मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर वाईफाई का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली वाईफाई के ऑप्शन पर आइए और बाकी आपको वाईफाई मिल जाएंगे जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहले का वाईफाई अलग से वाईफाई पे क्लिक करो तो वो भी एक अलग चीज़ थी और वो बहुत ही स्लो चलता था, ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर ब्लूटूथ देखने को मिलता है, लेकिन ब्लूटूथ में मुझे एक चीज़ बुरी लगती है कि आप ब्लूटूथ ऑन या ऑफ ही कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके, जैसे वाईफाई पे आप क्लिक करते हैं, आप वैसे क्लिक करके आप डायरेक्टली किसी ब्लूटूथ डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मे बी शायद फ्यूचर अपडेट में ये माइक्रोसॉफ्ट ऐड कर दे, क्योंकि अभी डेवलपर बिल्ड है तो इतना जज नहीं कर सकते इस चीज़ को। फिर एरोप्लेन मोड, बैटरी सेवर, फोकस असिस्टेंट, एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मे बी फ्यूचर में शायद ज़्यादा ऐड हो और भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप ऐड नहीं कर सकते, आप और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे नाइट लाइट, मोबाइल हॉटस्पॉट, रोटेशन लॉक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ऐड। तो जैसे आप एंड्रॉयड के जो कंट्रोल सेंटर होता है उस पर आप ऐड करते हैं वैसे ही आप करते हैं, तो ये आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल एक नया स्टार्ट मेन्यू है और सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पुराना स्टार्ट मेन्यू की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये यहाँ पर आपको सिंपली बहुत ही ज़्यादा आपको सिंपल देखने को मिलता है। मतलब ऊपर आपको पिंड ऐप देखने को मिल जाती है जो कि आपने पिन कर रखी है और नीचे रिकमेंड आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि अभी आपने रिसेंटली ओपन करी हैं या इंस्टॉल करी हैं। जैसे मैंने वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल करा था, मैंने OBS स्टूडियो इंस्टॉल करा था इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपका काम आसान कर देती हैं। और नीचे आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है सिंपल सा, बाकी कोई बटन देखने को नहीं मिलता, जिससे आप सिंपली पावर ऑफ, स्लीप, शट डाउन कर सकते हैं, हाइबरनेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सिंपली स्विच यूज़र कर सकते हैं, लॉक सेटिंग कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लटर फ्री UI हो चुका है आज के टाइम में। और यहाँ पर आप ऑल ऐप्स पे जा सकते हैं, जो कि आप ऑल ऐप्स पे जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ऑल ऐप्स का ऑप्शन है, यहाँ पर इनको एक सर्च बटन देना चाहिए था जो कि इन फ्यूचर काम में आ सकता है, मतलब शायद फ्यूचर में ही आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी एक बग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑल ऐप्स के नीचे मोस्ट यूज ऐप है उसमें M बिल्कुल कटा हुआ है और O थोड़ा 25% कटा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बग है इसमें अभी भी विंडोज़ 11 में, लेकिन टाइम टू टाइम फिक्सेस हो जाएंगे उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनको ऑल ऐप्स के अंदर एक सर्च का बटन देना चाहिए, ताकि अगर कोई ऑल ऐप्स में जाए तो उसको सर्च अलग से नहीं करना पड़े, मतलब कीबोर्ड पे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर ले तो ज़्यादा आसान हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक और बटन आता है जो कि सर्च का बटन है, आप इसको हटा सकते हैं। ये डेस्कटॉप यूज़र के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो डायरेक्टली सर्च होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्च में जाएंगे तो ये सिर्फ सर्च करेगा। लेकिन ये सिर्फ सर्च क्यों दिया गया है, वो सिर्फ टैबलेट मोड्स के लिए दिया गया है, क्योंकि अगर आप ये स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर आप कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, खोलेंगे, फिर आप टाइप करेंगे, तब जाके सर्च आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सिंपली सर्च पे जाएंगे और टाइप करना शुरू कर देंगे और आपका काम हो गया। तो ये सर्च वाला ऑप्शन डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए नहीं है, उनके लिए तो फालतू में टास्क बार में जगह घेरेगा, तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आ जाते हैं, जहाँ पर आप डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करने हैं तो आप डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टच में तो आप बहुत आसानी से डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं, मतलब कितना आसान है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको विजिट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये भी डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए, क्योंकि डेस्कटॉप यूज़र ऐसे तो स्वाइप करके तो ये विजिट्स को नहीं ला सकते, तो उनको क्लिक करना पड़ता है, तो ये कुछ चेंजेस है। इसी की बात करूँ, अगला जो चेंज देखने को मिला वो मुझे सबसे अच्छा देखने को मिला जब आप सेटिंग्स में जाते हैं। लिटरली इसकी जितने भी सेटिंग्स के ऑप्शन हैं, ये सब के सब ऐसे लगते हैं कि टच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर मुझे एक भी कमी देखने को मिली नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इतने अच्छे से ये काम करता है, एक तो UI इतनी अच्छी हो चुकी है और ऊपर से बिल्कुल ये टच इंटरफेस की तरह काम करता है। अभी एक आध चीज़ें जो कि मुझे बुरी लगी है इसके अंदर, वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं इसके फाइल मैनेजर की। ये जो फाइल मैनेजर है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है ये टच डिवाइसेस के लिए, क्योंकि मतलब डेस्कटॉप वालों के लिए तो वैसा ही है, लेकिन टच डिवाइसेस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि आइकन्स थोड़े बड़े हो चुके हैं, थोड़ा स्पेस आ चुका है, तो आप आराम से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंटल टच होगा नहीं आपसे। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ऊपर की साइड देख सकते हैं, ये जो ऊपर की साइड है ना, तो यहाँ पर न्यू, ये आपका न्यू है, ये कट, कॉपी, पेस्ट, आपका रीनेम, और ये किस चीज़ के लिए,
ये आई थिंक सो किस चीज़ के लिए अभी ट्राई करेंगे, ये आपका डिलीट का बटन है, यहाँ पर आपको शॉर्ट देखने को, मतलब जो चीज़ आप राइट क्लिक करके करते हैं ना तो वो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाती है, जो कि टच के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टच के लिए आपको पहले पॉज करके राइट क्लिक दबाना पड़ेगा तब जाके होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप सिंपली ऊपर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोई भी फोल्डर है और उसको मैं कॉपी करता हूँ तो यहीं ऊपर से मैं कॉपी कर लूँगा, लाइक कॉपी यहीं से हो जाएगी और कट भी यहीं से हो जाएगी और पेज भी यहीं से हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको कहीं से भी राइट क्लिक टच डिवाइस पे होल्ड करके क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जो आप ये ऑप्शन आते हैं तो ये आपको नहीं करने पड़ेंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा टच है और हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है टच के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी बुरी लगी है कि डबल क्लिक करना पड़ रहा है कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, मतलब ये चीज़ अभी भी थोड़ी सी परेशान करेगी, क्योंकि अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं ना तो ये सिर्फ सेलेक्ट होती है और डबल क्लिक में ओपन होती है, ये हमारा पुराना तरीका था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर सकता था कि जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके आगे टिक है ना, तो सिंपली कर सकता था कि अगर सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर हम टिक पे क्लिक कर दें जिससे वो सेलेक्ट हो जाए सिंपली, और अगर हमें ओपन करना हो तो हम फाइल पे कहीं भी क्लिक करें और वो ओपन हो जाए, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करा है माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट डबल क्लिक पे ही ओपन कर रहा है, जो कि मुझे टच डिवाइसेस के लिए थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि ये फाइल मैनेजर ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आप और फाइल मैनेजर कर सकते हैं जो कि टच इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट को पहले से ये चीज़ तैयार रखनी चाहिए कि भाई अगर तुम टच के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर डबल क्लिक नहीं करना पड़ेगा, अगर किसी को वो चीज़ सेलेक्ट करनी होगी तो वो डायरेक्टली टिक पे क्लिक कर सकता है और वो सेलेक्ट हो जाएगी, अगर उसको ओपन करनी है तो वो एक टच में कर सकता है, और ये मुझे लगता है कि जो माउस यूज़ करते हैं उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक क्लिक में ही कर सकते हैं। ऑफकोर्स आदत पड़ चुकी लोगों की कि डबल क्लिक करने पर ओपन करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आदत सुधर जाएगी, क्योंकि अभी ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू ये भी तो सिंगल क्लिक पे ही ऐप्स ओपन करता है ना, तो वो भी सिंगल क्लिक की आदत पड़ ही जाती है सबको, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट को बस सुधारना चाहिए, अदरवाइज उसने पूरी तैयार कर दी है टच के लिए। एक चीज़ बतानी रह गई, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी आप विंडो ओपन करते हैं तो अब इसको ना हिलाना बहुत आसान हो गया है, मतलब लाइक आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, मैं अपनी फिंगर आप देख रहे हैं, मैं अपनी फिंगर ऐसे लेके कहीं भी जा रहा हूँ और ये आराम से कहीं भी मूव कर रहा है, कोई भी मतलब परेशानी नहीं हो रही है, बहुत आराम से कर सकता हूँ आराम से। लेकिन पहले विंडोज़ 10 में ऐसा नहीं होता था, अगर आप टैबलेट मोड में जाते हो तो आप ऐसा एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते थे, आप विंडो को स्प्लिट कर सकते थे जैसे आप iOS में करते हैं, ठीक है, आप ऐसे कहीं भी मूव नहीं कर सकते थे उसको, तो ये भी विंडोज़ 10 में एक बकवास बात थी टैबलेट मोड के अंदर, लेकिन अब ये अच्छी सुधर गई है क्योंकि टैबलेट मोड रिमूव हो गया और आप विंडो को आप बड़े आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप इसका रिसाइज भी कर सकते हैं बड़े आराम से, मतलब बहुत ही आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप देखिए कितने आराम से मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं, आराम से ऐसे इधर से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रिसीजन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इसको सही करने की ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट को, लेकिन हाँ वो अभी डेवलपर बिल्ड है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी इसमें कमियाँ इतनी निकालने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया और ये टच डिवाइसेस के लिए पूरा तैयार है, बस ये जो डबल क्लिक का ऑप्शन है ना, ये जो डेस्कटॉप पर भी है, अगर आपको क्लिक करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा तो ही वो ऐप ओपन होगी, भाई किसी को अगर क्लिक करना है तो वो सिंपली जैसे ये स्टार्ट मेन्यू है, अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब ये आपको मूवीज़ और टीवी क्लिक करनी है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको फिर आप मूव कर सकते हैं, लाइक कहीं भी, देखिए आपने इसको सेलेक्ट करा, अब आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, और आप इसको ज़्यादा इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये चीज़ें ये डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज खोलना है तो भाई मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी बस डबल क्लिक वाली परेशानी अगर दूर कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि विंडोज़ 10 पूरी फुल फ्लैश तैयार है आज के टाइम में, टैबलेट में जाने के लिए, किसी भी टच डिवाइस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्यों ये फ्यूचर है, मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये तो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको ज़रा हम पॉज कर देते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ रिकॉर्डिंग को। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों फ्यूचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज़ 11 जैसे ही आई उन्होंने 32 बिट का ऑप्शन ही हटा दिया, अब आप 64 में ही यूज़ करेंगे और कोई भी 34 बिट वाला आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। मैंने इंस्टॉल करके देखा था एक 32 बिट का, वो इंस्टॉल नहीं हुआ उसके अंदर, उन्होंने बोला 64 बिट वाला वर्जन इंस्टॉल करो, तो एक ये चीज़ चेंज आ चुकी है। एक और चीज़ कि अब जो आपको भी पता है एप्पल की M1 चिप आई है और जो सरफेस प्रो एक्स है वो भी एक
आर्म बेस्ड चिप पे यूज होता है। तो अब जो फ्यूचर है ना वो आर्म बेस्ड चिप्स का है, वो x86 आर्किटेक्चर का नहीं है, वो अब पुराना आर्किटेक्चर हो चुका है। आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर अब नए आने वाले हैं जो कि लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलेंगे। डेस्कटॉप को रिप्लेस करने वाला वो अभी है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डेस्कटॉप में रिप्लेस करने के लिए, लेकिन मोबाइल में तो आर्म प्रोसेसर ही चलते हैं और अब लैपटॉप में भी आपको आर्म प्रोसेसर देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। और एप्पल ने तो करके ही दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी तैयार बैठा हुआ है और सैमसंग भी कोशिश कर रहा है और क्वालकॉम भी कोशिश कर रहा है कि अपनी आर्म चिप बनाएं ये लैपटॉप्स के लिए और वो विंडोज़ उसी में डालें, क्योंकि आर्म प्रोसेसर बहुत आराम से लग सकता है किसी भी टैबलेट के अंदर। आप x86 वाले आर्किटेक्चर वाले CPU को नहीं लगा सकते, आर्म बेस्ड प्रोसेसर को आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आसानी है, मतलब एक छोटा फॉर्म फैक्टर मिलेगा, ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज 11 डाल सकता है। आप देख सकते हैं सरफेस प्रो एक्स जो है वो आपका आर्म बेस के ऊपर है, तो यहाँ पर पूरा ध्यान उसका ये है, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप्स का भी सपोर्ट उसने इस वजह से दिया है, क्योंकि ऑफकोर्स अभी के लिए तो x86 आर्किटेक्चर पे ज़्यादातर लैपटॉप्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब आर्म आर्किटेक्चर पे होंगे तो वहाँ पर एंड्रॉयड ऐप्स और ज़्यादा आसानी से रन होंगी। वहाँ पर आपको कोई भी एम्यूलेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आर्म बेस्ड जो ऐप्स हैं वो x86 में चलानी है तो लाओ कोई एम्यूलेशन हमें करना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनको वहाँ पर भी आसानी होगी। साथ ही में जो परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ है, वो भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। और आप टच इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप सबसे आसान होता है कि टच यूज़ करना, मतलब सबको आदत पड़ चुकी है, और साथ में अगर आपको कीबोर्ड अटैच करना है तो आप कोई भी कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं जैसे आप आईपैड में करते हैं। तो यहाँ पर यही फ्यूचर है और इसी फ्यूचर की वजह से, मतलब ये फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही पहले देख लिया था, तो इस वजह से उसने विंडोज़ 8 करी थी, लेकिन वो अपने टाइम की मतलब बहुत आगे थी, मतलब सीरियसली वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थी, इसी वजह से वो फ्लॉप हुई है। लेकिन अब उन्होंने पूरी तैयारी करी है, सारी चीज़ें अपनी गलतियों से समझे हैं माइक्रोसॉफ्ट, इस वजह से उन्होंने विंडोज़ 11 दोनों के साथ रखी है कि अगर कोई माउस से यूज़ करना चाहता है तो माउस से भी यूज़ कर सकता है, टच से यूज़ करना चाहता है तो भाई उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। तो मेरे हिसाब से विंडोज़ 11 कोई भी फ्लॉप नहीं होने वाली, मतलब वो जो इनकी वो नहीं है कि हर एक विंडोज़ के बाद एक विंडोज़ फ्लॉप होती है। XP हिट थी, विस्टा फ्लॉप हुई, 7 हिट थी, 8 फ्लॉप हुई, 10 फ्लॉप तो नहीं हुई लेकिन हाँ काफ़ी सही चली, लेकिन अब 11 कहीं फ्लॉप नहीं हो जाए, लेकिन ये फ्लॉप नहीं होने वाली क्योंकि अपनी गलतियों से इसने सीखा है, शायद इसी वजह से इतना लंबा टाइम भी लिया इसने विंडोज़ 11 बनाने के लिए, फैसला करने के लिए, क्योंकि इसको डर लगता होगा कि अगर विंडोज़ 10 के बाद कोई वर्जन आए वो फिर फ्लॉप हो जाए। लेकिन विंडोज़ 11 में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, UI बहुत अच्छी हुई है और ये फुल फ्यूचर प्रूफ है। सीरियसली माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फ्यूचर ध्यान में रखते हुए इस विंडो को बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अगर आर्म बेस्ड चिप आती है फ्यूचर में तो ये क्रोम OS को भी टक्कर दे सकता है। क्रोम OS काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाइट वेट लैपटॉप्स के लिए और टच लैपटॉप्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्रोम OS, और एंड्रॉयड ऐप्स उसमें चलती हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऐप्स अब इसमें भी चलेंगे विंडोज़ 11 में। मे बी शायद मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तैयारी करी है कि कंपटीशन को बिल्कुल वाइप आउट कर दे पूरी तरीके से। तो बस दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन विंडोज़ 11 को लेके, टच डिवाइसेस और क्या फ्यूचर हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मनगढ़ंत वीडियो लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।